Hello viewers, our today's topic is about OOP in Python. सबसे पहले हम देखेंगे कि OOP होती क्या है. OOP is basically object oriented programming. Python जो है वो एक मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें OOP के कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व होते हैं. बेसिकली जो हम आजकल स्टूडेंट्स को देखते हैं तो उनमें ये ऊप को लेकर एक फेयर पाया जाता है कि आया ऊप है क्या चीज. ऊप बेसिकली जो घूम रही है वो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के दरमियान है. इसकी बेसिक डेफिनेशन भी ये होगी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो एक पैराडाइम है जो कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस में प्रोग्रामिंग की जाती है. अगर कहा जाए तो ऑब्जेक्ट एक टेक्निक है आपके कोड को लिखने की, तो और इसके अंदर ड्राई का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है. मतलब ये कि ऊप में हमें इनहेरिटेंस प्रोवाइड होती है जिससे रीयूजबिलिटी ऑफ कोड पॉसिबल हो सकता है. ड्राई हमारे पास है डोंट रिपीट योर सेल्फ. व्हाई ऊप इज नेसेसरी. अब ऊप हमारे पास जरूरी क्यों है, हमारे लिए ऊप जरूरी नहीं है, नो, बट इट कैन मेक योर कोड इजियर एंड लेस योर कोड कॉम्प्लेक्सिटी. मतलब ये कि हमारे कोड को, यानी कि अगर हम फंक्शंस की जब बात करते हैं, फंक्शंस डिफरेंट फंक्शंस लिखते हैं, अब एक चीज़ के बहुत सारे फंक्शंस हैं, फंक्शन हैं और भी एट्रीब्यूट्स हैं, अब वो कोड जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना. तो इसको ईजियर बनाने के लिए हम ऊप का इस्तेमाल करते हैं. पर शर्त नहीं है कोई कि ऊप ही ज़रूरी है, ऊप के बिना प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है, पर ऊप से प्रोग्रामिंग आपकी बेहतर हो सकती है. अब ऊप के अंदर मैंने बात की क्लास की. क्लास होती क्या है हमारे पास? क्लास हम कह सकते हैं कि कोई भी जो है वो एक चीज है, जैसे कि एक ह्यूमन है, तो ह्यूमन जो है वो उसकी जो है वो ह्यूमन के जो है वो क्या चीज है, एक क्लास है. एक जो है वो एक कंप्यूटर क्या है, वो एक क्लास है. क्लास बेसिकली एक फाइल हो सकती है, एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, एक मॉडल हो सकता है, एक टेम्पलेट हो सकता है, या कॉम्बिनेशन जो है ऑफ ऑब्जेक्ट हो सकता है. कंबाइन द रिलेटिव इंफॉर्मेशन. अब एक बुक के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स सारे वो टॉपिक्स हमारे पास फंक्शन बन जाएंगे, और जर्नल उस बुक की बात की जाए तो वो एक क्लास है. एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल क्या हो सकती है ऊप की? ऊप के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, और क्लास के अंदर दो चीजें हमारे पास पाई जाती हैं, वो है एक एट्रीब्यूट और एक होता है हमारे पास बिहेवियर. एट्रीब्यूट अगर ह्यूमन की एग्जाम्पल लें तो ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं? उसका नेम एक एट्रीब्यूट हो सकता है, उसका कलर एक एट्रीब्यूट हो सकता है, उसकी वेट एक एट्रीब्यूट हो सकता है, उसकी हाइट एक एट्रीब्यूट हो सकती है, उसकी एज एक एट्रीब्यूट बन सकता है हमारे पास. ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स. अब अगर हम बात करें बिहेवियर्स की, तो बिहेवियर्स हमारे पास फंक्शंस कहलाते हैं. फंक्शंस जैसे कि एक इंसान जो है वो सेंस कर सकता है, अगर मैं देख सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, तो ये मेरे सेंसेस हैं, ये मेरे फंक्शंस हैं, यानी कि ये बिहेवियर है. मेरा मेरा किसी भी चीज पर रिएक्ट करना, ये भी एक मेरा बिहेवियर है, तो ये भी फंक्शन हो सकता है. मेरा इमोशंस यानी कि मेरे फीलिंग्स, वो भी एक जो है वो फंक्शन बन सकता है. मैं अपसेट हूँ, मैं सैड हूँ, मैं जो है वो एक्साइटेड हूँ, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है, मैं हैप्पी हूँ, तो ये सब हमारे पास फंक्शंस बन सकते हैं जिनको हम नाम देते हैं बिहेवियर्स का. ऑब्जेक्ट जो है वो पाइथन के अंदर हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है. अब एक बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारी एक क्लास के अंदर स्टोर हो सकते हैं. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंट ऑफ क्लास. व्हेन क्लास इज डिफाइंड ओनली द डिस्क्रिप्शन फॉर द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड. मतलब ये कि हम जब क्लास डिफाइन करते हैं तो क्लास को ही ऑब्जेक्ट बना के उसका इंस्टेंट यूज करते हैं. जब हम कोडिंग की तरफ जाएंगे तो इसको आप बेटर तौर पर अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली करता क्या है, वो क्लास का एक इंस्टेंट बना लेता है. पाइथन में हर चीज एक ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. तो इसमें जब हम डेटा टाइप्स देते थे, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, नंबर्स, एरेज, डिक्शनरीज, लिस्ट, टपल्स, ये सब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही कहलाते हैं.
ये था हमारे पास ऊप का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि ऊप होती क्या है, ऑब्जेक्ट को क्यों यूज करते हैं, और हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं। अगर क्लासेस को देखा जाए तो क्लासेस क्या काम करती हैं, हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी देखा। अब हम इसके कोड की तरफ जाएंगे। हम इसको कोड करके देखेंगे कि हमारे पास क्लासेस होती क्या हैं। अब हम एक जो है वो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने जो है वो प्रेजेंटेशन में भी यानी कि पहले थ्योरी में ही बात की थी कि क्लास हमारे पास क्या होती है। मैं क्लास के नाम से जो है वो कीवर्ड होता है क्लास बना लेता हूँ ह्यूमन के नाम से, उसको मैं राउंड ब्रैकेट कर देता हूँ और इसके अंदर हम आ जाते हैं इसकी बॉडी के अंदर। सबसे पहले मैं एट्रीब्यूट्स डिफाइन करूंगा, तो मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स के बाद एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं, जैसे कि मैंने बताया था एट्रीब्यूट्स हमारे पास बेसिकली वेरिएबल्स होते हैं। और अब जब मैं एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करूंगा तो def करके एक फंक्शन के अंदर अंडरस्कोर अंडरस्कोर इन इट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ये है इनिशियलाइजर हमारे पास। इनिशियलाइजर को डिक्लेयर करने के बाद सेल्फ, सेल्फ हमारे पास क्या है, सेल्फ एक फर्स्ट पैरामीटर होता है जो कि एज अ पॉइंटर काम करता है, सिमिलर टू दी पॉइंटर होता है कि सी प्लस प्लस और जावा में। ये जो है वो हमारे पास फर्स्ट पैरामीटर होता है और इसी के बिहाफ पे बाकी सारे पैरामीटर्स नीचे एज अ वेरिएबल बिहेव करेंगे। हमने सेल्फ लिखा, उसके बाद हम लिखेंगे सबसे पहले नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर कॉमा हाइट कॉमा वेट, एक इंसान के कुछ एट्रीब्यूट लिखे, कॉलन लगाया। कॉलन लगाने के बाद हम फंक्शन की बॉडी के अंदर आ गए। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक एक एट्रीब्यूट को ले लेंगे, सेल्फ डॉट नेम, और इसको मैं बराबर कर दूंगा नेम के। अब इसी तरह सेल्फ डॉट एज, इसको मैं बराबर कर दूंगा किसके, एज के। इसी तरह हमारे पास सेल्फ डॉट जेंडर, तो ये बराबर हो जाएगा जेंडर के। सेल्फ डॉट हाइट, तो ये हमारे पास हाइट के बराबर हो गया। अब सेल्फ डॉट वेट इज इक्वल्स टू वेट, ये हमारे सारे एट्रीब्यूट्स हमने डिनोट कर दिए। अब हम फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाएंगे और यहां पर डिफाइन करेंगे हम बिहेवियर्स को। मैं कमेंट कर देता हूँ, बिहेवियर्स को हम डिफाइन करेंगे। तो बिहेवियर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो फंक्शंस होते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। अब फंक्शंस को किस तरह से डिनोट करते हैं वो पिछले लेक्चर्स में हम देख चुके हैं। अब हम डिफाइन def करके एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम कहेंगे डिस्क्राइब ह्यूमन। अब मैं सेल्फ का एक कीवर्ड लगा देता हूं जो कि हमने पहले भी एक पैरामीटर यूज किया, अब भी एज अ सेल्फ को पैरामीटर यूज करेंगे। डिस्क्राइब ह्यूमन के नाम से बनाने के बाद मैं एक जो है वो प्रिंट करवा देता हूं, प्रिंट। अब जो है वो प्लेस होल्डर मेथड को यूज करते हुए मैं कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूं भाई। सबसे पहले द नेम ऑफ अ पर्सन इज, अब जो नाम है वो सेल्फ डॉट नेम से डिनोट हो जाएगा। उसके बाद हम एक और चीज प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एक और मैसेज प्रिंट करवाता हूं मैं।
एज, जो कि नाम था हमारे पास सेल्फ डॉट नेम, उसके बाद मैं कहूंगा एज इज, जो हमारे पास एज के लिए था सेल्फ डॉट एज, नया डिनोट कर दिया। अब प्रिंट दोबारा करवाऊंगा मैं, एक चीज क्या प्रिंट करवाऊंगा, एफ। अब मैं कर्ली ब्रेस लगाऊंगा नेम, यानी कि इट्स हाइट इज, यानी कि फर्ज करें अगर अली का नाम देता हूं तो मैं अली हाइट इज ऐसे कहूंगा, तो मैं सेल्फ डॉट हाइट कह देता हूं, और फिर उसके बाद कहता हूं हाइट इज सेल्फ डॉट हाइट। अब जब मैं हाइट की बात कर रहा हूं तो एंड में हम कहते हैं लॉन्ग, मतलब अगर वो 6 फीट लॉन्ग है या 5.8 फीट लॉन्ग है तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो फुल स्टॉप्स लगा सकता हूँ, ये मैंने फुल स्टॉप्स लगा दी ताकि ये सेंटेंस हमारा थोड़ा सा खूबसूरत लगे। प्रिंट करवाएंगे दोबारा हमारे पास एफ कॉलन कॉलन, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, मैं कहूँगा इट्स जेंडर, तो हम भूल ही गए, हम जेंडर को नहीं कहते भाई। यहाँ मैं एक और प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ कॉलन कॉलन, इसमें कहता हूं जो भी उसका नाम है सेल्फ डॉट नेम इज, जो भी उसका जेंडर होगा हम उसको यहां लिख देंगे सेल्फ डॉट जेंडर। अब यहां हमने जेंडर लिख दिया, अब हम बात करते हैं सेल्फ डॉट वेट की, ये वेट है, जो भी उसका नाम होगा, पहले हम नाम को रखेंगे तो नाम लिख देते हैं, इसकी जगह वेट तो रखना ही है, तो हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं, हम उसके बाद लिखते हैं सेल्फ डॉट नेम, जो नेम है यानी कि अली है, अली वेट इज, जो भी उसका वेट होगा जो वो देगा रिक्वायर करेगा। एंड में अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ केजी, तो मैं केजी लिख सकता हूँ, तो ये मैंने केजी लिख दिया और मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। ये था मेरे पास एक फंक्शन। अब अगर मैं एक और फंक्शन बनाना चाहता हूँ फीलिंग के नाम से, तो मैं फीलिंग के नाम से एक और फंक्शन, नहीं के फंक्शन भी बना रहे हैं ना, जैसे कि हम बात कर रहे थे, जब हम थ्योरेटिकली बात कर रहे थे तो हमने कहा फंक्शन जो है ह्यूमन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अब ह्यूमन जो है वो फील क्या कर रहे हैं, हम डिफाइन कर देते हैं फील के नाम से। फील के नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसके बाद जो है वो मैं सेल्फ करूंगा इसको और कॉलन लगाऊंगा, यहाँ जो है वो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं सेल्फ, फिर उसके बाद दोबारा इसकी बॉडी में आ गए हम, प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या करवाना चाह रहा हूँ, जो भी उसका नाम है सेल्फ डॉट नेम इज हैप्पी टुडे, एक मैसेज भेज देंगे सेल्फ डॉट नेम इज फीलिंग हैप्पी टुडे, मैं फीलिंग लिख देता हूँ। जो भी हम मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं, अब मैं इसको रन कर देता हूँ। अब मैंने इसको रन कर दिया, रन करने के बाद अब मैं जब इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए मैं क्या करूंगा कि सिंपली जो कि वेरिएबल के रूल्स होते हैं, उन वेरिएबल के रूल्स को मद्देनजर रखते हुए हम जो है वो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे H1। अब H1 जो है वो एक तरह से वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने, उसके बाद क्लास का नाम लिखूंगा ह्यूमन। अब जो भी मेरे पास, हमने जो पहले इनिशियलाइजर में, हमने पहले फंक्शन में, इनिशियलाइजर के फंक्शन में हमने एट्रीब्यूट्स दिए थे, वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स सेल्फ को छोड़ के उसके बाद वाले जितने भी एट्रीब्यूट्स थे, जिनके एट्रीब्यूट्स हमने नीचे बनाए थे सेल्फ डॉट करके, उन सब एट्रीब्यूट्स को यहाँ
कॉल, यानी कि यहाँ पर हम इसका डेटा डालेंगे। ये हमने बेसिकली H1 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, अपनी क्लास का इंस्टेंट बना लिया। इसको कहते हैं क्लास का इंस्टेंट। अब बेहतर तरीके से आपको समझ आएगा कि इंस्टेंट होता क्या है। मैं यहाँ सबसे पहले नाम डाल देता हूँ, अली। तो अली के बाद जो है वो मैं, उसके बाद दूसरी चीज हमारे पास क्या है, एज। तो एज है उसकी 22 कॉमा। अब उसका जो है वो जेंडर क्या है, जेंडर है उसका मेल। ठीक है। अब उसके बाद उसकी जो है वो हाइट है। अब हाइट भी जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू में आएगी, तो उसको भी ब्रैकेट्स में डालने की जरूरत नहीं है। तो मैं उसके बाद कहूंगा 5.6। अब जो है वो कॉमा। अब अली का वेट कितना है, अली का वेट है 58, फॉर एग्जाम्पल 58 वेट है। तो अब ये सारे एट्रीब्यूट्स फिल हो चुके हैं। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं देखना चाहूं कि ये मेरे पास किस तरह से काम कर रहा है, तो अब मैं प्रिंट करवा देता हूं, ब्रैकेट लगा के टाइप करता हूं टाइप, और मेरे पास टाइप किसकी, H1 की टाइप चाहिए। तो ये क्लास मेन ह्यूमन बताएगा। वजह क्या है, ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी टाइप देखने के लिए हम इसको, ये मेन ह्यूमन के साथ ऑब्जेक्ट बना हुआ है इसका, तो ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जब हम इसको जो है वो देखेंगे, तो मेन ह्यूमन से ये जो है वो इसका डेटा कहाँ जा रहा है, वो मेन ह्यूमन के अंदर जा रहा है। अब हम अगर इसको कॉल करवाएंगे H1 डॉट, मैं टैब दबाऊंगा। जब टैब दबाने के बाद इसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स मुझे शो करवाएगा। अगर मैं इसकी एज देखना चाहता हूं तो मैं एज देख लूंगा। अगर मैं H1 डॉट करके मैं इसकी जो है वो कोई फंक्शन देखना चाह रहा हूं जो मैंने डिस्क्राइब का बनाया था, तो वो डिस्क्राइब ह्यूमन के नाम से आ जाएगा। फंक्शन है तो हम राउंड ब्रैकेट साथ में लगाएंगे, तो ये सारे की सारी चीजें जो मैंने स्टोर करवाई थी वो आ जाएंगी। जैसे कि अली, द नेम ऑफ अ पर्सन इज अली, अली एज इज 22, अली इज मेल, 5 पॉइंट जो है वो इसकी हाइट है, और फिर इसके बाद जो है वो अली का वेट आ गया। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई, तो ये इसने स्टोर करवा ली फंक्शंस के अंदर। अब अगर मैं कहता हूँ H1 करके डॉट नेम बताओ, तो वो नेम बता देगा मुझे। मैं कहता हूँ H1 डॉट जो है वो मेरे पास इसका हाइट बताओ, तो वो हाइट बता देगा मुझे। H1 डॉट, अब मैं फील करके जो मैंने फंक्शन बनाया था उस फंक्शन को कॉल कराऊंगा, तो अली इज फीलिंग हैप्पी टुडे आ जाएगा। ये थे हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका। यहाँ हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।